स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में, और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme C2 का। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या कुछ खास नया किया है Realme ने। तो देखिए वीडियो को अंत तक, करते हैं इसकी सील ब्रेक और देखते हैं इसके पूरे मेन फंक्शंस को। सबसे पहले तो हम इसका ये प्लास्टिक रैप उतारते हैं, और कुछ इसके मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो कैमरा हमें रियर मिलता है वो मिलता है 13+2 MP का, और फ्रंट कैमरा मिलता है वो है 5 MP का, जो कि थोड़ा सा कम है। बैटरी है वो हमारे पास मिल जाती है हमें 4000 mAh की, और जो स्क्रीन साइज़ है वो है 15.5 cm यानी कि 6.1 इंच की। उसके अलावा हमें इसकी जो रिटेल प्राइस है वो मिलती है 6999 में, और हमें ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और Realme के स्टोर पर मिल जाता है 5999 में, 2 GB RAM और 16 GB स्टोरेज के साथ में। बॉक्स हो चुका है बॉक्स, और सबसे पहले ऊपर मिलता है हमें ये एक सेक्शन, जिसमें हमें मिलता है ये एक क्विक सेटअप गाइड। और इस बार हमें बैक कवर है वो देखने को नहीं मिल रहा है इसके अंदर, जबकि Realme के हर फोन में हमें जो बैक केस है वो देखने को मिलता है। ये हमारे पास एक इसका एडेप्टर है, जिसकी अगर हम रेटिंग की बात करें तो ये है 5 वोल्ट 1 एम्पियर का 5 वोल्ट का चार्जर। ये है हमारी मेन यूनिट, और ये है हमारे पास एक USB 2 एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल। तो यही था बॉक्स का कंटेंट, और अब करते हैं फ़ोन को हम बूट एक बार और उतारते हैं इसका आगे का और पीछे का रैप। ये जो है ये है ब्लैक और ब्लू फिनिश बैक रियर पैनल, जो कि काफ़ी मतलब ग्रिपी है, ये फिसलने वाला नहीं है। और ये है फ्रंट स्क्रीन, जिसके ऊपर प्लास्टिक प्रोटेक्टेड पहले से लगा हुआ है। करते हैं इसको बूट, और बैटरी इसके अंदर है, बेजल थोड़ी सी नीचे की तरफ है वो ज़्यादा है। ऊपर हमें यहाँ 5 MP का कैमरा, और इसके जस्ट ऊपर ईयर पीस, और बगल में मिल जाते हैं हमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स वगैरह। और अगर फ़ोन के हम राइट साइड की बात करें तो हमें मिलता है एक पावर लॉक अनलॉक बटन, और बॉटम साइड की अगर हम बात करें तो हमें राइट साइड में मिलता है 3.5 mm जैक। उसके बाद में इधर मिलता है ये माइक्रोफोन, सेंटर में मिलता है हमें चार्जिंग केबल के लिए स्लॉट, और लेफ्ट साइड में हमें मिलता है स्पीकर ग्रिल। फ़ोन के अगर लेफ्ट साइड की हम बात करें तो ऊपर मिलता है हमें सिम ट्रे, और उसके साथ मिलते हैं वॉल्यूम रोकर्स बटन्स। सिम ट्रे की अगर हम बात करें तो ये है एक नॉन हाइब्रिड, यानी कि 2 SIM + 1 मेमोरी कार्ड के लिए जगह है इसमें, फिंगरप्रिंट के लिए इसमें कहीं जगह नहीं है। रियर कैमरा जो है वो है 13 MP + 2 MP का LED फ्लैश के साथ, और डायमंड कट ये डिज़ाइन, और Realme का ब्रांड लोगो। ये फ़ोन हो चुका है हमारा बूट, करते हैं इसको स्टार्ट एक्सपीरियंस। कलर OS 6 Android 9 Pie के साथ हमें मिलता है, और सबसे पहले हम यही चेक करते हैं इसके अंदर सेटिंग में जाके कि हमें Android 9 Pie मिलता है या फिर कुछ अलग मिलता है। अबाउट फ़ोन और कलर वर्जन, कलर OS वर्जन है 6.0 और एंड्रॉयड वर्जन है वो 9। रैम है वो है 2 GB की, और जो डिवाइस स्टोरेज अवेलेबल है वो 7.34 GB अवेलेबल। ये थोड़ा कम है, 16 GB का स्टोरेज का नाम देके हमें 8 GB भी पूरा नहीं मिल पाता है, तो ये एक तरीके से अच्छी बात इसमें नहीं है। बाकी सिक्योरिटी जो पैच लेवल है वो है मार्च 2019 का, तो कुल मिला के ये फ़ोन है वो लगभग अपडेटेड है। तो यही था इसका पूरा एक पैकेज, जो कि ये वैसे इंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए ये बहुत ही अच्छा है, 6000 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, तो उसमें कोई वो बात नहीं है। बस एक फिंगरप्रिंट की इसके अंदर कमी है। कैमरा जो है वो इसका Redmi 7 से बेटर है, Redmi 7 की अनबॉक्सिंग भी जल्दी करेंगे। करते हैं इसका एक छोटा सा भी कैमरे का टेस्ट कि कैमरा है जो है वो है कैसा। करते हैं एक फ़ोटो, इस रेंडम सी फ़ोटो क्लिक और देखते हैं। बिल्कुल कैमरा कुल मिला के अच्छा है, 13 MP का है, नाम दिया है तो लगभग 13 MP है भी। और कैमरे में हमें काफ़ी सारे पोर्ट्रेट वगैरह, ब्यूटी वाई वगैरह सारे मोड मिल जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। एक सेल्फी और टेस्ट करना चाहेंगे कि 5 MP अब कैसा है। नहीं, ये कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन 6000 रुपये में हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमें एक बार इसका सिक्योरिटी और चेक कर लेते हैं। फेस अनलॉक सेट करते हैं, फेस रजिस्टर करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया हमारा फेस रजिस्टर। और अब है मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, और जैसे देखा ये स्वाइप अप टू ओपन। ओके, थोड़ा सा सेटिंग और चेंज करते हैं हम इसका।
फेस अनलॉक और पैटर्न लगा दे 1 2 3 4 5 6। डायरेक्टली विथ योर फेस, अब करते हैं इसका फेस चेक। ये इसकी लॉक स्क्रीन है, मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा और देखते ही ये क्लिक हो गया। मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ तो लॉक स्क्रीन है वो आ भी नहीं रही है, तो इसका मतलब फेस अनलॉक है वो काफ़ी फास्ट है। लॉक स्क्रीन एक बार भी नहीं आती है तो फेस अनलॉक है वो ठीक है, फास्ट है। और ये कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशन हैं, देखते हैं इसको ये डिलीट होती हैं या नहीं होती हैं। रिमूव, ओके, ये आराम से डिलीट हो जाती हैं, तो ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एक मेरे हिसाब से 6,000 रुपये में वो है, ये एक ग्रेट पैकेज है जो कि मतलब डिज़ाइन है, हमें नोच मिल जाती है, वाटर ड्रॉप नोच मिल जाती है, 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, ड्यूल वोल्टी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब हम 2 JioSim एक साथ चला सकते हैं। तो हमें और क्या चाहिए, 6,000 रुपये में ये एक बहुत ही अच्छी पैकेज है। तो मैं तो इस फ़ोन को आपको प्रेफर करूँगा, अगर आपका 7-8 हज़ार तक भी अगर बजट है तो 6,000 में आप ये लीजिए। अगर थोड़ा सा आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो 2 GB RAM और 32 GB स्टोरेज के साथ 7,000 रुपये में ले सकते हैं, और रैम 3 GB और 32 GB चाहिए तो 8,000 रुपये में आप ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपको, और चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।